की जानिब से एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए एक बेहतरीन फ़ीचर मुतारिफ़ कराए जाने का इम्कान है। इस फीचर के ज़रिए सार्फीन मुतअद्दिद एंड्रॉयड डिवाइसेस को एक गूगल डिवाइस से कनेक्ट कर सकेंगे। इस फीचर को लिंक योर डिवाइसेस का नाम दिया जाएगा और मुख्तलिफ़ लिंक्स के मुताबिक टूल सेटिंग्स मेन्यू में मौजूद होगा। अभी ये तो वाज़े नहीं कि इस फीचर से क्या कुछ करना मुमकिन होगा, मगर मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें कॉल स्विचिंग का ऑप्शन भी होगा। इस ऑप्शन से सार्फीन अपनी कॉल्स को मुख्तलिफ़ डिवाइसेस में ट्रांसफ़र कर सकेंगे। आसान अल्फाज में, अगर आपने एक फ़ोन पर कॉल मौसूल की है तो उसे ट्रांसफ़र करके दूसरे फ़ोन पर भी सुन सकेंगे और ये सिलसिला इन तमाम डिवाइसेस में जारी रह सकेगा जो सार्फ के पास मौजूद होंगी। ये फ़ीचर आईफोन में दस्तियाब सेलुलर कॉल्स ऑप्शन से मिलता जुलता है, जिसके ज़रिए सार्फीन फ़ोन कॉल को मैक या आईपैड पर भी रिसीव कर सकते हैं, मगर आईफोन से कॉल को बराए रास्ता दूसरे फ़ोन पर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, मगर गूगल के इस नए फ़ीचर से ऐसा मुमकिन होगा। ये नया फ़ीचर ऐसे अफराद के लिए कारामद साबित हो सकता है जिनके पास एक से ज़्यादा फ़ोन होते हैं। कॉल स्विचिंग के अलावा ये नया टूल सार्फीन को इंटरनेट शेयरिंग में भी मदद फराहम कर सकता है। अभी यह वाज़े नहीं कि गूगल की जानिब से इस फीचर को कब तक मुतारिफ कराया जा सकता है, मगर एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हो सकता है इसे एंड्रॉयड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पेश किया जाए। एंड्रॉयड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम अक्टूबर में मुतारिफ कराए जाने का इम्कान है, तो जब तक इस फीचर के लिए इंतज़ार करना होगा।